हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है सत्ता के प्रकार या टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के प्रकार या सत्ता के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से सत्ता निकलती है, आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे। राजनीतिक और समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इस सत्ता कहाँ से निकलती है इस पर बहुत ही विस्तृत रूप से 20वीं सदी में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यूँ तो प्लेटो और अरस्तु इत्यादि के द्वारा भी सत्ता के बारे में काफ़ी विवेचन किया गया है, लेकिन एक व्यवस्थित अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई। जो मैक्स वेबर की अवधारणा है वो सत्ता और औचित्यपूर्णता के परस्पर घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए बनाई गई है, और इस आधार पे उसने ये बताया है कि सत्ता तीन प्रकार से के तीन प्रकार होते हैं, या सत्ता के स्रोत तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला जो स्रोत है वो है परंपरागत या ट्रेडिशनल सत्ता। परंपरागत या ट्रेडिशनल सत्ता से उसका अभिप्राय ये है कि अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं वो अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आदेशों का पालन है वो परंपरागत तरीके से होता आया है, और इसको आधार मानकर वो सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करते हैं, और अधीनस्थ अपने आप को इसमें सेवक समझते हैं, और आज्ञा पालन जो है वो परंपराओं के प्रतीक के रूप में वो करते हैं। जैसा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि राजतंत्र में राजा की आज्ञाओं का पालन परंपरागत तौर पे प्रजा के द्वारा किया जाता है। दूसरी जो सत्ता मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई वो है करिश्मात्मक सत्ता, चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी से तात्पर्य मैक्स वेबर ये मानता है कि अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन सत्ताधारी इसलिए करता है क्योंकि सत्ताधारी का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो अधीनस्थों पर पड़ता है, यानी उसका करिश्मा होता है, उस करिश्मे के कारण अधिकारी के उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन निम्न अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और इसमें मैक्स वेबर ये बताता है कि अधीनस्थ जो हैं वो अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्मावादी एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण वे उनके आदेशों का पालन करते हैं। तीसरी जो मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता का प्रकार बताया गया है वो है बौद्धिक, कानूनी, वैधानिक या नौकरशाही सत्ता, रैशनल, लीगल और लीगल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वो नियम उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा औचित्यपूर्ण तरीके से दिए गए हैं, इसलिए हमको उनके आदेशों का पालन करना है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक या प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था में जब किसी राजनीतिक दल को सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है और प्रधानमंत्री को जो बहुमत दल का नेता होता है उसको शपथ दिला दी जाती है और उसको फिर यह अधिकार हो जाता है कि वो उस देश में शासन करे, तो उसके आदेशों का पालन उसको कानूनी मानते हुए पूरे देश की जनता करती है। तो इस प्रकार से इसमें बौद्धिक और तार्किक आधार महत्व प्रदान किया जाता है। कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्वीकार करते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा कोई किसी व्यक्ति को चुना गया है या किसी पद पर बैठाया गया है और उसके आदेशों का पालन सभी को करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन सभी को करना है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के द्वारा तीन सत्ता के सोर्स बताए गए हैं या तीन प्रकार की सत्ता बताई गई है, परंपरागत सत्ता, बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता, और तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। मैक्स वेबर के इस जो सोर्स है
उस सत्ता के, उनको हम इस तरह से एक टेबल बनाकर समझ सकते हैं। संगठनात्मक सत्ता के विभिन्न प्रतिमान मैक्स वेबर के आधार पे, जो पहला कॉलम है उसमें हम सत्ता का प्रकार देखते हैं, परंपरागत सत्ता। कर्मचारी वर्ग का प्रकार परंपरागत सत्ता में कैसा होगा? एक सेवक के रूप में होगा। परंपरागत सत्ता में जो परंपरागत रूप से जो पदधारी व्यक्ति है, जो आदेश देने वाला व्यक्ति है, वो उसके आदेशों का पालन एक सेवक की भांति कर्मचारी वर्ग करते हैं। और सत्ता के प्रयोग की विधि होती है कि तदर्थ प्रत्यायोजन होता है, यानी जो अधिकारी के द्वारा या राजा के द्वारा या शीर्षस्थ व्यक्ति के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उस आदेश की पालना के लिए जिस तरह के अधिकार किसी व्यक्ति को सौंपने की आवश्यकता है, उतने ही अधिकार उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं, यानी उसी कार्य को करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। सारे अधिकारों का हर वक्त के लिए प्रत्यायोजन नहीं किया जाता है। और जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञा पालक होता है, वो होता है विशेष रूप से नेता का व्यक्तित्व, और साथ में जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के कारण जो सेवक हैं वो आज्ञाओं का पालन करते हैं। दूसरा जो मैक्स वेबर ने बताया वो है सत्ता का प्रकार, बौद्धिक कानूनी सत्ता। इसमें कर्मचारी वर्ग जो है वो एक विभाग में, कुछ कर्मचारी मिलके विभाग का निर्माण करते हैं या किसी ब्यूरो का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं वो बौद्धिक कानूनी सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। इसमें बौद्धिक प्रत्यायोजन किया जाता है, किसी आदेश को मानने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में कार्यों का बंटवारा होता है, और जो कार्य उनको प्रदान किए गए हैं वो उन कार्यों को करने की उनको स्वीकृति होती है, वो उस सीमित अधिकारों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। कानूनी रूप से स्थापित व्यक्तिगत व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा है वो कानूनी रूप से वैध है, या किसी नियम और कानून के माध्यम से उच्च पद पर बैठाया गया है, इसलिए उसके आदेशों का पालन जो कर्मचारी वर्ग है, जो ब्यूरो विभाग है, वो उसके आदेशों का पालन करते हैं। तीसरी जो प्रकार है सत्ता का वो है करिश्मात्मक सत्ता। कर्मचारी वर्ग का प्रकार इसमें उसने बताया है मैक्स वेबर ने, व्यक्तिगत कर्मचारी जो सेवक है, क्योंकि कर्मचारी इसमें करिश्मा, नेता की करिश्मा के कारण आदेशों का पालन करते हैं। इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन नहीं होता है और कर्मचारी सीधे अपने नेता की तरफ देखकर उसके जो करिश्मावादी नेतृत्व है उसके चमत्कार से प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं, और नेता उनकी दृष्टि में आदर्श होता है और उसका जो व्यक्तित्व है वो चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण सत्ता के संबंध में तीन प्रकार के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।